हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि लुक। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ निविया का क्रीम। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। मैं अच्छे से इसे ब्लेंड भी करती हूँ क्योंकि मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए, मुझे अच्छा लगता है। तो सेकेंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्राइमर ऑयल। आप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो मगर मुझे ये पसंद है। मैं यहाँ पे दो ड्रॉप ले रही हूँ और इसे अच्छे से डैप करके स्प्रेड करूँगी अपने फेस पर और नेक पर और ईयर्स पर भी। फिर मैं ले रही हूँ कंसीलर, अपने आईज पर मैं लगाऊँगी, इसे अच्छे से स्प्रेड करूँगी और स्पंज के हेल्प से ब्लेंड करूँगी। इसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा आई शेडो मुझे और हाईलाइट होके दिखाना है। तो मैंने ब्लेंड कर लिया है, देखिए मेरे साथ कौन है। इसे भी मेकअप बहुत पसंद है, इसका नाम शूजी है। कमिंग बैक टू आवर मेकअप लुक, बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन, या आप इसे बोल सकते हो स्किन कलर। इसे लाइटली मैं ब्लेंड करूँगी और अच्छे से स्प्रेड करना है। लोअर लैशेस पर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी। देख सकते हो कितना नेचुरल लग रहा है। सेकेंड आई शेडो में ले रही हूँ ब्लैक कलर, इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी, अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं क्रीज कट बना रही हूँ कंसीलर के हेल्प से। जब हम आई शेडो अप्लाई करेंगे इस पर तो ये और हाईलाइट होकर दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तो अब मैं ले रही हूँ येलो कलर आई शेडो, अपने क्रीज कट पे मैं अप्लाई करूँगी और अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी। मैं येलो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आज का मेरा ड्रेस है ब्लैक एंड येलो। अपने इनर कॉर्नर पर भी हमें अप्लाई करना है। अब मैं फिर से लाइट ब्राउन कलर या स्किन कलर आप बोल सकते हो, इसे क्रीज पे अप्लाई करूंगी और थोड़ा शार्प बनाऊंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर। मैं नॉर्मल विंग बनाऊंगी क्योंकि हमें फेक आईलाइशेस यूज करना है। फेक आईलाइशेस मैं एट द एंड अप्लाई करूंगी। मैं लाइट शेड कंसीलर यूज कर रही हूँ। ब्लेंडिंग स्पंज के हेल्प से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आईब्रो ब्रश के हेल्प से मैं अपने आईब्रोज सेट कर रही हूँ। मैं अभी आईब्रो फिलअप कर रही हूँ आई शेडो के हेल्प से। मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लिया है और ब्रश के हेल्प से मैं अपना आईब्रोज बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है फिट मी का फाउंडेशन, स्पंज के हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आप इसकी कवरेज देख सकते हो, मेरा फोरहेड कितना ब्राउन लग रहा है।
अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस पर। मैं लाइटली इसे थिन लाइन में करूँगी क्योंकि मुझे ओवरलोड नहीं चाहिए। ये मेरा ट्रिक है अपने नोज़ को कॉन्टोर करने का। मैं अपने नोज़ को प्रेस करती हूँ और उसे इस तरीके से कॉन्टोर करती हूँ। ये इजी वे लगता है मुझे। मैं अब स्पंज के हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने लिया है मैक का लूज पाउडर और इसे अब मैं सेट कर रही हूँ। अब मैं लाइट पिंक ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और अपने नोज पर भी। मैंने यहाँ पे लिया है 5 शेड का हाइलाइटर। इसे मैं मिक्स करके अप्लाई करूँगी अपने फेस पर और मैं अपने फिंगर के हेल्प से अपने आई शेडो पर भी हल्का सा इसे डैप करूँगी। फिंगर के हेल्प से मैं अपने आईब्रो बोन पे भी अप्लाई करूँगी और अपने नोज पर भी अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो कितना स्ट्रेट लग रहा है मेरी नोज। ये ट्रिक आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ज्वेलरीज पहन लिए हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्करा। ये है मेबलिन का मस्करा। अब मैं फेक आईलाइशेस अप्लाई करने वाली हूँ और ये है हुडा का ग्लू, आईलाइशेस ग्लू। तो मैंने अप्लाई कर लिया है फेक आईलाइशेस और जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो है रोज पिंक इनसाइड का। वो मेरी क्लिप डिलीट हो गई इसलिए मैं बता नहीं पाई आपको। तो मैंने यहाँ पे ज्वेलरीज पहन लिया है ऑक्सीडाइज के। तो आप देख सकते हो मेरा लुक कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू लुक के साथ। बाय बाय।